बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र को लेकर बहुत ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है। नई चर्चा तेज है कि सरकार देश का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव लाएगी, मतलब इंडिया नाम खत्म हो जाएगा, भारत ही भारत होगा और सब जगह सिर्फ भारत होगा। जो अटकलबाजी हो रही है उसको मजबूती मिली है राष्ट्रपति के इनविटेशन कार्ड से। G20 के मेहमानों को इंडिया नहीं, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और मुख्यमंत्रियों को डिनर का न्योता भेजा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 और 10 सितंबर को G20 बैठक होने जा रही है और डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से जो इनविटेशन कार्ड भेजा गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। पहली बार किसी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसे इनवाइट को देश का नाम इंडिया से भारत करने का कंफर्मेशन मानते हुए जयराम रमेश ने कहा कि तो ये खबर वाकई में सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत जो इंडिया है राज्यों का एक समूह होगा, लेकिन अब इस राज्यों के समूह पर भी हमला हो रहा है। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डरा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है देश का नाम इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अगर अटकलबाजी सही दिशा में है तो ये लाइन कुछ ऐसी हो सकती है कि भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट दिस स्टेज रिप्रेजेंट 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। If the parties on this stage unite, it is impossible for the BJP to win an election. राहुल गांधी भी हुंकार भर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को चुनाव में हरा देगा। इसी से तेज हुआ है इंडिया और भारत का झगड़ा। बेंगलुरु में 26 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम रख दिया गया इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन एक्सक्लूसिव अलायंस। विपक्ष वाले इंडिया इंडिया कर रहे हैं और मोदी घमंडिया पुकार रहे हैं। कांग्रेस अब बहुत अग्रेसिव है, सरकार और बीजेपी को दिखाना नहीं चाहती। उसे कांग्रेस ने इंडिया का डर नाम दे दिया है कि वो बीजेपी वाले इंडिया से डरते हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया और लिखा कि बीजेपी वाले इंडिया से इतना डरते क्यों हैं? ये विपक्ष के लिए मोदी सरकार की नफरत है या फिर एक डरे हुए और सहमे हुए तानाशाह की सनक? लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे? देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे, फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? बीजेपी इंडिया को खत्म कर रही है, ये हल्ला अब बहुत तेज है। बीजेपी सांसद हरनाथ यादव भारत नाम जोड़ने के लिए संविधान में बदलाव की मांग कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी में थोड़ा और पीछे चलिए तो 2 दिन पहले RSS के सर संघ संचालक मोहन भागवत ने गुवाहाटी में भाषण दिया था। मोहन भागवत ने लोगों से देश के पुराने नाम भारत के इस्तेमाल की अपील की थी। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। RSS बीजेपी के नेता भारत भारत कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी अब इसे ऑफिशियली लाइन
बनाना चाहती है और जब तक सरकार कुछ नहीं कहती तब तक इसे चर्चा ही माना जाएगा। हालांकि बीजेपी के राजनाथ सिंह, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भी इंडिया गठबंधन के नाम को लेकर एतराज जता चुके हैं। कह चुके हैं कि नाम रखने से ही कुछ नहीं होगा। इसके बाद भी अब इंडिया को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। भारत के संविधान से इंडिया शब्द सरकार हटाने जा रही है। केंद्र सरकार ने 17 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इस दौरान सरकार कई खास बिल संसद में पेश भी कर सकती है। न्यूज एजेंसी के अनुसार से ही भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाना भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा आधिकारिक तौर पर अभी आना बाकी है, लेकिन उससे पहले कई सारी चर्चाएं हो रही है। कहा जाने लगा है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश के नाम बदले जाने यानी कि इंडिया से भारत किए जाने के प्रस्ताव भी रख सकती है। हालांकि अभी इस पर चर्चाएं हो रही है, कंफर्म नहीं किया गया है। नाम बदला जाता है तो इसके तहत अब देश का नाम सार्वजनिक और सार्वभौमिक रूप से भारत ही होगा। जल्द ही देश को इंडिया इंडिया कहा जाना बीते जमाने की बात हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो अभी अभी नए बने इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है, जिसने खुद से खुद को देश हित का पर्याय मानते हुए अपने गठबंधन का नाम देश की इस इंग्लिश बर्तनी पर रखा ताकि उसे इंडिया पुकारा जाए तो देश की आवाज लगे। है किसके मन में क्या है इसका उजागर होना अभी भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल इंडिया को भारत करने को लेकर विवाद मचा हुआ है। आप देखते रहिए।